नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सेफ है, सुरक्षित है और अच्छे हैं और अच्छे से अपना जो जिम्मेवारियाँ है वो निभा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा, एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग है और सिक्योरिटी की कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स है, जो वाइटल पॉइंट्स है मैं आपको इसी के ऊपर जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो है आचार संहिता या आचरण संहिता। तो दोस्तों इसका मीनिंग हिंदी में आचरण संहिता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विस्तार से इसको हम बताएंगे तो ऐसे है। तो दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कोई भी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए निर्धारित किया गया सामाजिक व्यवहार, नियम और उत्तरदायित्व के समूह को कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, या तो कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसको। तो दोस्तों सिक्योरिटी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क्या उनको कोड ऑफ कंडक्ट है इसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो ऑल जो जितने पॉइंट्स है मैं एक एक पॉइंट्स का मैं आपको शेयर करूंगा और साथ साथ उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा भी। तो चलिए पहला जो पॉइंट्स है, एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। जो भी सिक्योरिटी जो काम कर रहा है सुरक्षाकर्मी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो है एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो ऑफ द कंपनी नहीं है, ये कंपनीज है, NIES, ये कंपनीज होगा, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि है दोनों कंपनी का। एक तो जिस कंपनी, जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको रिक्रूट किया, और दूसरा जो साइट आपको मिला है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो दोनों कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे मतलब आपको पेश होना है, ताकि आप दोनों कंपनी का जो गुडविल है उसको आप रक्षा कर सके। तो रिप्रेजेंटेटिव आप दोनों कंपनीज का है, एक तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी है और दूसरा जो है आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी दोनों कंपनी के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, एक्टिंग एज ए मीडियम। तो आप मीडियम के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस है तो उसको फॉलो आपको भी करना है, साथ साथ आप एज ए मीडियम आप दूसरों को भी उस रूल्स को फॉलो करवाने के लिए आप है। तो इसीलिए आप एक मीडियम के तौर पे काम करते हैं, तो इसलिए आप एक मीडियम हैं। तीसरा जो है, फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपको दोनों कंपनी के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिस कंपनी के थ्रू आप रिक्रूट हुआ है और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, दोनों का ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो उसको आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको मान के चलना है, नियम को आपको पालन करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, मेंटेनिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस, ओबीडियंस एंड पोलाइटनेस व्हाइल यू आर ऑन ड्यूटी। तो दोस्तों ये खास पॉइंट है, जो कि आप जब आप ड्यूटी पे होते हैं तब आपको एक तो ओबीडियंस होना है, देन ट्रूथफुलनेस आपको रहना चाहिए, देन कोई भी मतलब सच के सामना करना चाहिए और सच बोलना भी चाहिए, साथ में आपको ऑनेस्टी भी होना चाहिए एज ए सिक्योरिटी। आप अगर ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे रक्षा करेंगे, जो रक्षक है और अगर वो भक्षक हो जाएगा तो फिर काम नहीं चलता है। तो इसीलिए आपको ऑनेस्ट रहना या ऑनेस्टी आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ट्रूथफुलनेस, जो कि हमेशा सच के सामने करना या तो सच बोलना, ये आपके लिए है। देन आपको पोलाइटनेस मेंटेन करना है, मीन्स आपको नम्र भद्र रहना चाहिए, किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए आपको नम्र मतलब व्यवहार रखना चाहिए, ताकि मतलब आप जो रिप्रेजेंट कर रहे दोनों कंपनी का कुछ ऐसे आप काम कर देंगे तो दोनों कंपनी के जो गुडविल है वो खराब ना हो जाए। तो इसलिए आपको ये जो पॉइंट्स है, जैसे ऑनेस्टी मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ट्रूथफुलनेस सच का सामना या तो सच बोलना,
देन ओबीडियंस होना है, कुछ भी काम आपको दिया जाता है, टास्क दिया जाता है तो वो ओबीडियंटली आपको करना है, तो उसके लिए आप हमेशा रेडी रहना चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिवली उसको उसको करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है सेफगार्डिंग ऑफ पीपल प्रॉपर्टी एंड द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सिक्योरिटी का जो एक और कोड ऑफ कंडक्ट है जो आचरण विधि में आता है, जो आचार संहिता में आते हैं, वो है सेफगार्डिंग ऑफ पीपल प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए तो आप है ही, रक्षा करने के लिए जब आपको रखा गया है तो आपको जो जो जिस कंपनी में आप है उस कंपनी का लोगों का देन सामान का और इंफॉर्मेशन का रक्षा करना आपका काम है। तो इसीलिए सेफगार्डिंग ऑफ पीपल प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको रक्षा करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेंटेनिंग प्रॉपर टर्नआउट व्हाइल ऑन ड्यूटी। तो ये जो टर्नआउट है, आप जब दोनों कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा मतलब निजे खुद को रिप्रेजेंट करना है ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। ऐसे मतलब आपका जो ग्रूमिंग है या टर्नआउट है उसको नंबर वन होना चाहिए। जैसे आपका यूनिफॉर्म्स, आपका जो ग्रूमिंग, शेविंग, देन हेयर कट, देन सारे मतलब टॉप टू बॉटम सब कुछ आपका फिट है और साथ साथ आपका जो अपीयरेंस है वो भी मतलब अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है पोलाइट इन नेचर बट फर्म इन एक्शन। तो दोस्तों ये आचरण विधि में पोलाइट इन नेचर, ये तो जरूर आप पोलाइट होना चाहिए, आप बातचीत में पोलाइट है, कोई भी किसी के साथ भी बात करना है तो ढंग से बात करना है, उनको मतलब ये पता चले कि मैं सही जगह पे आया हूँ, सही व्यक्ति के पास आया हूँ या तो सही कंपनी में आया हूँ। दूसरा जो है अगर साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, आप फॉर्म इन एक्शन मीन्स आपको जो कार्रवाई करना है उसमें आप मतलब कहना जरूर कठोर होना चाहिए। जैसे किसी बंदे को अगर आप मतलब अंदर नहीं जाने देना है, इसलिए आपको पोलाइटली मतलब उनको समझाना है। आप अगर उनको बताएंगे 5 मिनट वेट करने के लिए तो फिर वो एग्री हो जाएगा कि ठीक है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, या तो उनको अगर ये भी कन्विंस करेंगे कि नहीं आपको मैं अभी इस टाइम जाने नहीं दे सकता क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है, तो इसलिए आपको उनको ऐसे मतलब समझाना है ताकि वो मान जाए, आपका जो काम है वो भी हासिल हो जाए। तो इसीलिए आपको ये जो पॉइंट है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दोस्तों रिमेन अलर्ट एंड विजिलेंट ऑलवेज। तो इसके लिए एक सुरक्षाकर्मी, इन आपको तो एक सुरक्षाकर्मी होने के नाते आपको ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए ताकि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट घट गया है तो उसके लिए आप क्या ना तुरंत उसका एक्शन ले सकते हैं अगर आप अलर्ट रहेंगे और विजिलेंट रहेंगे। मीन्स अलर्ट मीन्स आप अपने आप को जैसे आँख कान नाक को खुला रखना है, विजिलेंट मीन्स ऑलवेज चारों तरफ जो नज़रदारी है रखना पड़ेगा, तभी आप किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट होने से पहले आपको अंदाजा लग सकता है या तो आप तुरंत किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट का आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज अलर्ट रहना और विजिलेंट रहना ये बहुत ज़रूरी है सुरक्षाकर्मी के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों रिपोर्ट इमीडिएटली टू द सुपरवाइजर ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट। तो कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट को आप तुरंत जो है उसका जानकारी आप अपना सुपरवाइजर को दीजिए ताकि पीछे से आपको हेल्प मिले और आगे जो उनके कार्रवाई करना है तो वो कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मस्ट नो द लेआउट ऑफ योर प्रीमाइस। तो आपको ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपका आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर कोने कोने क्या है, पूरा कंपनी को आपको पहचानना है, पूरा कंपनी में आपको देखना है कि कहाँ किस चीज़ में के किस चीज़ है, कहाँ कौन सा बिल्डिंग है, कहाँ किस चीज़ को रखा गया है। तो ये सारा जो जानकारी आपके पास होना चाहिए, उनका लेआउट कैसा है, कहाँ पे किस बिल्डिंग है, कहाँ कौन सा बिल्डिंग, कौन सा कहाँ एडमिन बिल्डिंग है, कहाँ पे कुछ वर्कशॉप है, तो ये सारा जो चीज़ लेआउट है कंपनीज़ का, तो ये आप कंपनीज़ के लेआउट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है बी पंक्चुअल। तो सिक्योरिटी अगर पंक्चुअल नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है, पंक्चुअल तो होना ही है क्योंकि आप सही टाइम पे अगर सही वक्त पे अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे तो फिर आपके लिए वो लॉस साबित हो सकता है, डेंजर साबित हो सकता है। तो आप एक तो आप ड्यूटी पे भी पंक्चुअल होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट में आप पहले आइए, उसके बाद आप ड्यूटी हैंडिंग टेकिंग ओवर कीजिए। नेक्स्ट
आप अगर पंक्चुअल होंगे तो किसी भी काम आपके लिए रुकेगा नहीं, कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट आप टाइम पे उसको उसको आप हैंडल कर सकते हैं, इसको उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी मेंटेन करना सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी के कोड ऑफ कंडक्ट के। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है एंड लास्ट, कीप योर पोस्ट नीट एंड क्लीन भी बोल सकते हैं, एंड इन ए ऑर्डरली मैनर या तो ऑर्डरली फैशन। तो आप जो पोस्ट है, जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पोस्ट होता है, तो उस पोस्ट जिस पोस्ट में आपका ड्यूटी पड़ रहा है, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस पोस्ट का क्लीनलीनेस आपको देखना चाहिए। साथ साथ आप उस पोस्ट का जो भी चीज़ें हैं वो एक अच्छी तरह मतलब उसको सही ढंग से रखा हुआ, ये भी आपको निश्चित करना है। तो इसलिए आप जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, कीप योर पोस्ट नीट एंड क्लीन एंड इन ऑर्डरली मैनर। तो इसको आप इसका भी एक ये भी एक आपका आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया एक सिक्योरिटी की कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको मालूम होने से आप अपना जो काम है वो एक अच्छा प्रोफेशनल वे कर सकते हैं और अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा ये जानकारी। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।